ये तीन नल अकबर के बीवियों के लिए, एक अकबर के लिए, प्रियम और रुखैया का स्कैम कर दिया जोधा अकबर ने। जोधा भाई का मंदिर, जोधा भाई का एक रूम, जोधा भाई के सिक्योरिटी गार्ड, जोधा भाई का एशिया अच्छा सिक्योरिटी गार्ड और क्या चाहिए जीवन में, जोधा रॉक्स। यहाँ पे कौन सा शूटिंग हुआ था बोल रहे थे आप? परदेश मूवी का हुआ, लाल पत्थर का है, गरम हवा, मुगले आजम, हे राजा, अच्छा अच्छा अकबर का रूम है। Now we are entering the room. यतीम फिल्म में गाना होता है, क्या है यतीम फिल्म में वो गाना होता है, धड़का पे वो तेरे निगाहों से सबको लुटाने आए, अच्छा वो यहाँ धागा बांध के जाते हैं, उनको जब बैठा मिलता है तो धागा खोलने के लिए आते हैं। अलवारी में खाने रखे जाते थे, उनके लिए काफी डिशेस बनती थी, अलग डिशेस होती थी। अभी हम बैठ देखेंगे, अच्छा अच्छा ये अकबर का बेडरूम है, ये बेड है उनका स्लीपिंग बेड, अकबर यहाँ सोते थे, और ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी, सैंडल बोर्ड स्टेप्स, उससे ऊपर चढ़ते थे अकबर। एक इस बेड का जो चंदन की लकड़ी की सीढ़ी होती है, एक इस बेड का देखने हाइट ज़्यादा है, क्योंकि अकबर का हाइट ज़्यादा नहीं था, उनका हाइट 5 फीट 3 इंच था, इसका जो हाइट था वो इसलिए ज़्यादा, और नीचे फ्लोर में पानी रखते थे, 3 इंच रोज वाटर होता था, गुलाब का पानी होता था, और पानी के 2 रीजन होते थे, एक तो उसको ठंडा लगता था, दूसरा रीजन अगर कोई अंदर दुश्मन आएगा तो पानी से वाइब्रेट होता, आवाज़ होता, इसलिए और ये सीक्रेट रास्ते हैं जो रानियाँ आती आती थी, रानी को इन्वाइट करते थे, उसे महल से आती थी। ये रुकैया का था, वो रास्ता मरियम के लिए था, और वो रास्ता जोधा के लिए, थ्री ऑफिसर बारे में सीक्रेट है, तो इसको ख्वाबगा कहते हैं, ख्वाबगा आलमगाह बोलते हैं, ये उनका गर्मी का नाम लिया गया, सर्दियों में इसको कर रहे थे, वो धूप से कर रहे थे। ये रास्ता बाहर गांव के लिए जाता है, जो सीकरी गांव आपने देखा है, ये गवर्नमेंट का रास्ता काम करता है, तो ये इसलिए बंद कर दिया, यहाँ से लोग आना जाए अंदर बिना टिकट के अंदर न देखे, क्योंकि जाने की क्रॉस वेंटिलेशन के लिए वहाँ भी मेरे भक्त बाहर के जारी हटा रहा, क्योंकि यहाँ से सारे नया नहीं दिखते। विंटर के लिए, अच्छा विंटर सीजन में ऊपर रहते थे, ऊपर सनलाइट रहती, धूप रहती थी, अच्छा जैसे चैनल बने हुए देखे, सभी चैनल टैंकों से कनेक्टेड है, अच्छा इसी आज भी जो बारिश से जो पानी होता है तो टैंकों में जाता है, पानी होता है जैसे आर ओ लगे, अच्छा क्या नहीं सीढ़ियाँ तो हैं, नहीं जा सकते ये महल मरियम का था, जो कृष्ण गायत्री जो गोवा से थी, यहाँ रहती थी, इस महल को सुनहरा महल कहते हैं, उनको गोल्डन पेंटिंग पसंद थी, पूरा गोल्डन पेंटिंग से इसको सजाया गया, देखो सारा कलर यहाँ से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कोई भी कलर 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता है, इसको 450 साल हो गए, तो सारा पेंटिंग यहाँ से निकल चुका है, वो सबसे बड़ा महल जोधा भाई के लिए बनवाया, जोधा भाई से बैठा हुआ था, इसलिए अकबर की वो फेवरेट वाइफ थी, और राजस्थान से बिलोंग करती थी, राजस्थान में बड़े महल होते हैं उनको हवेली बोलते हैं, उनके लिए हवेली जैसा बनवाया, समझा के हवेली राजस्थान में, ये किचन है जोधा भाई का, उस जमाने में ये वाला किचन है, हाँ जोधा भाई वो प्योर वेजिटेरियन थी, ओके इसलिए उनके लिए अलग बनवाया, और जो नॉन वेज खाती थी उनके लिए अलग थे, ऐसे टूटे तरह किचन है, अच्छा ऊपर देखे ऐसे झुमके बने हुए, सब राजस्थान निजान में है, यहाँ से रानियाँ पसंद करती थी और अकबर उनको बनवा के देते थे, अच्छा
अन्य दो बेडरूम लाए थे। अच्छा, आप अंदर चल के देखेंगे दोनों एक जैसे लगेंगे आपको। अच्छा, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन एक उनका ही बनने वाला है जो पीछे जालीदार बना हुआ है, जालियों के द्वारा हवा जाती थी, ठंडा रहता था, इसलिए जोधाबाई गर्मियों में रहती थी यहाँ, क्योंकि उनका समर हाउस था, पीछे पानी का लेक था, जो ठंडी हवा आती थी। और एक बेडरूम उनके लिए साउथ साइड में बना हुआ है, वो आप देखेंगे अंदर चलते हुए। यहाँ बाजार लगता था रानियों के लिए, मीना बाजार। अच्छा, लेडीज मार्केट, क्योंकि रानियों के लिए बाहर जाना अलाउड नहीं था, बाहर से यहाँ फोटोग्राफ थे उनके लिए अंदर ही मार्केट लगती थी। और लास्ट में है वो बीरबल का महल, जो बादशाह अकबर ने रुकैया बेगम के लिए बनवाया था, उनको पसंद नहीं आया था। तो बनाने से पहले दिखाना चाहिए था ना डिजाइन उनको, बनाने के बाद पसंद नहीं आया था। सारे महल उन्हीं के लिए थे, लेकिन वो अकबर के करीब रहने चाहती थी। अच्छा, ऐसा ना हो जाए कि हमसे दूर रहने के बाद कई बार दूर ना हो जाए वो। अच्छा, और ज्यादा प्यार किसी रानी से हो जाए। नहीं, अभी बनाने से पहले तो पता चलता ना महल बन रहा है यहाँ पे, तभी रोक देते हैं। ये महल का नाम है। अच्छा, वो जहाँ रहे जिसमें भी रहे सब उन्हीं के लिए थे महल। हेलो भाई, यार वो यहाँ पे नेटवर्क चला जा रहा है, मैं अकबर के घर आया हूँ। अकबर कौन? अकबर, अकबर के घर आया हूँ। तो खाना नहीं है। ये था उनका रुकैया का महल। अच्छा, ये वहाँ से कितने दूर है ना। अच्छा अच्छा, दोनों को बड़ा बनाया, चार रूम नीचे में, दो रूम ऊपर में है। देखिए, ये बराबर से जो बना हुआ है ये घोड़ों का अस्तबल था। कुछ राइटरों का कहना है ये अस्तबल था, और कुछ राइटरों का कहना है ये हरम रहता था, इनके जो हरम की जो औरतें थी। तो आपने ऐसा कोई जगह नहीं देखी जो हरम के रहने की जगह देखी हो, तो वो ये जगह थी, ये हरम की औरतें रहा करती थी, काम करने वाली। ये सब सर्वेंट होती थी उनकी, जो साफ सफाई करना, खाना पीना बनाना, वो देखे रानियों की उनकी देखें। वो बुलंद दरवाजा है एशिया का सबसे बड़ा गेट, उसी के अंदर दरगाह है सलीम चिश्ती की। अच्छा, अभी पहले हम देखेंगे जोधाबाई का महल, सबसे बड़ा महल देखेंगे, फिर हम फतेहपुर जाएंगे। अच्छा, ये सब बालकनी है जो आप देख रहे हैं, ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं। हाँ, तो देखिए एक दूसरे से बतलाने के लिए, रानी एक दूसरे से बतला सके, रानी नज़ारा देख सके। ये किसका महल था? ये जोधाबाई का था। ये रुकैया के लिए बनवाया था। अच्छा, उधर मरियम के लिए था। हाँ हाँ, वो है। ये छोड़ के वहाँ पे सिर्फ महल, ये पर्दे वाला रास्ता था जो रानी वॉक करती थी, ये महल से कनेक्टेड है जोधाबाई के। दोनों साइड में दीवार है, वो दिखे नहीं बीच में, वो मस्जिद था नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, अब बंद कर दिया उसको, पीछे सब आर्मी हाउस थे, आर्मी के सेना रहती थी उनकी। अच्छा, सब कुछ टूट गया है, देख सकते हैं ना, देख लो यहाँ से, ये पूरा आर्मी वाले अंका का था, उनका घर। सो आर्मी वाले ट्रिपल जा रहे ना वहाँ। अकबर लव्स जोधा करते कौन की लिखी। नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग जोधा का महल देखने के, शाही पानी भरले कर। मैं कब हो गया ये? कब हुआ, कब? यही नल है वो। शाही नल में पानी नहीं आ रहा। शाही नल में पानी नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार नल है, तीन वाइफ के लिए तीन नल बना है, एक अकबर के लिए है ना, सैफ अली भाई और जोधा के नल पानी आ रहा है। ये तीन नल अकबर के बीवियों के लिए, एक अकबर के लिए। हाँ गाइस, गाइस ये देखो, इसमें एक बात नोट करने के, तो बस पानी बस अकबर के नल में, जोधा और जोधा के नल में आ रहा है। अरे बाप रे, मरियम और रुखैया का स्कैम कर दिया जोधा अकबर ने। जस्टिस फॉर रुकैया एंड मरियम। देखे गाइस बिहाइंड द सीन्स, देखे गाइस जोधा के महल के लिए कैमरा भी लगाया है, सीसीटीवी, बाकी होंगे लिए नहीं लगाया, पाप बेचारे।
ओ क्या भारी है माशाल्लाह पिलर्स। वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, फिर राजस्थान में बनवाया ऐसी महल उनका आने पहुँच गया। वो गए राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे। ये दो बेडरूम थे उनके, ये घर भी बना था जो आपने देखा ना पीछे जालीदार बना हुआ था जी, और इधर में जाली नहीं है, ये साउथ साइड में बना हुआ है। लास्ट में धूप रहती थी इसलिए सर्दी में इसको बैठती थी। सामने मंदिर बनवाया उनके लिए, वहाँ पूजा करती थी राधे कृष्ण भगवान की। ये तुलसी मंच है क्योंकि हिंदू धर्म में गुट्ठा होता है, तुलसी की पूजा करते थे, वो तुलसी को पानी दिया करते थे। बाकी नीचे में जो रूम आप देख रहे हैं सब दासियों के रहने के लिए, सर्वेंट क्वार्टर। ऊपर में जो ड्रोन देखते हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है, ये उनके स्पेशल बॉडी का देते थे। पूरे महल के अंदर यहाँ हिटले होते थे, नो मेल नो फीमेल सोल्जर होते थे पानी के रखा जाए। और वो सेम है ना, मैं फोटो निकाल दूँ आपको। जोधा भाई का मंदिर, जोधा भाई का एक रूम, जोधा भाई के सिक्योरिटी गार्ड्स, जोधा भाई का एशिया है, दो रूम गर्मी वाला दासियां, सिक्योरिटी गार्ड, और क्या चाहिए जीवन में। जोधा रॉक्स मंदिर में जैसे चैनो बेल्स होता है, चैनो बेल्स आप लोग मंगल कलश ये सब हिंदू आर्किटेक्चर आप लोग ये पूजा का स्थान था। साइड में जो रूम आप देख रहे हैं स्टोरेज रूम, आधार भगवान की मूर्ति इनको होती है। थक के बैठ गए हैं, हमें वेट करते करते चलिए। क्या झरोके ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं, इन झरोकों से व्यू देखती थी जोधा भाई। अच्छा ये रूम चौकीदार के लिए थे, वॉचमैन के लिए। अच्छा आने वाले लोग पहले परमिशन लेते थे तब वो मिलते थे जोधा भाई। ये हमाम है, कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं, कोई जाली नहीं है, इसलिए हम पीछे रखा। अच्छा अच्छा जाली वगैरह होती तो अंदर फिर बदबू हो जाती। हाँ 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 क्या खाते थे ये क्या है आगे ये फतेहपुर देखने जा रहे हैं। अच्छा इसीलिए है वो अकबर के पीर साहब की दरगाह। अच्छा बुलंद दरवाजे से होते हुए जाएंगे क्या? ना बुलंद दरवाजे पर आपको सीढ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये शाही दरवाजे से जाएंगे आप, ये वहीं पहुंच जाएंगे आप अंदर से बुलंद दरवाजे। इधर से बामन सीढ़ी चढ़नी पड़ती है 52 स्टेयर, ये कम सीढ़ी वाला गेट है जिससे अकबर जाते थे, ये बादशाही गेट है। भैया जल्दी से ही भैया हिंदी में बात कर सकते हैं आप। अलग अलग गेम है, टैलेंटेड सेल्समैन कैन हायर देम। ये शाही दरवाजा, ये शाही दरवाजा है रॉयल फैमिली के आने जाने के लिए था ये। अच्छा अकबर जहाँ जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आते थे, जिसके अंदर जामा मस्जिद है, अनारकली का सुरंग है, दरगाह है, बुलंद दरवाजा है, वो सब इसके अंदर है। वहाँ जूते अलाउड नहीं है, जैसे यहाँ रखेंगे जूते अपने यहाँ जहाँ चौकीदार होते हैं। अच्छा क्या सारे भाई आपको फतेहपुर दिखाएंगे, ये दिखाने के बाद आपको बस में बैठा देंगे, बस आपको भाई छोड़ेंगे। टिकट आपके पास है ये ना, उसी टिकट को दिखाना, उसी टिकट से आप वहाँ पे जाएंगे रिटर्न। बस हम काम पे चलते हैं वहीं पे आते हैं। हाँ भैया बता देंगे, सामने पार्किंग है वहाँ पे।